शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुझे मेरा ही घर मिला, सिर्फ तुम्हारे प्यार और तुम्हारी यादों के निशान है। हमारे घर में आई है, सारी गड़बड़ियां शुरू हो गई। डॉक्टर की जरूरत है, मिसेस डॉक्टर राजन। वाव, लवली, I'm sure जया को ये बहुत पसंद आएगा। गुड, ठीक है, आप इसे पैक कर दीजिए। किरण जी, इसमें हमारे दोस्तों के नंबर हैं, सबको फोन कर दो, 18 तारीख को जया के सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए। नहीं सर, मेरा फोन करना अच्छा नहीं लगेगा, आखिर मैं इस घर में नौकरानी हूँ और आपके दोस्तों की बराबरी नहीं कर सकती। अच्छा होगा आप वर्षा जी से ये काम करने के लिए कहें। ठीक है, मैं वर्षा को फोन कर देता हूँ। हेलो। हेलो वर्षा। ओ हाय रवि। देखो वर्षा, जो मैंने बताया था वो प्लान हमें आज ही पूरा करना पड़ेगा, अगर इसमें जरा भी गड़बड़ हो जाएगी तो बात किरकिरी हो जाएगी। तुम्हें काम करो डार्लिंग। हाँ बोलो। आज हम लंच साथ में करेंगे रीजेंसी रेस्टोरेंट में। दैट्स ग्रेट, लेकिन हाँ जय को पता ना चले। अरे जय को कैसे पता चलेगा, वो इस वक्त बाथरूम में है, तुम ठीक 1 बजे पहुंच जाना। ठीक है, पहुंच जाऊंगी। अच्छा वर्षा, वो हार तो पसंद है ना तुम्हें, वरना दूसरा ले ले, उससे और अच्छा। अरे ये तो तुम्हारा प्यार है जो तुम दूसरे नेकलेस की बात कर रहे हो, वरना कल हमने जो नेकलेस पसंद किया है ना वो बहुत अच्छा है। आई लव इट। ठीक है स्वीटहार्ट, उसे संभाल कर रखना, मगर ठीक 1 बजे पहुंच जाना वहां पर। ओके बाय, सी यू। रवि सुनो, जल्दी में हो, खाना खा के जाओ, आज तुम्हारी मनपसंद की बिरयानी बना रही हूँ। अरे जया, बात यह है कि आज वो मेरे बायस आए ना, उनके साथ मेरी मीटिंग बहुत जरूरी है, इसलिए मैं लंच उनके साथ कर रहा हूँ, समझ गई ना। हाँ मैं चलता हूँ। ओके बाय। अगर साहब लंच पर नहीं रुके तो वर्षा जी को बुला लीजिए, मैं पाइनएप्पल केक बना देती हूँ। हेलो। हाय वर्षा। हाय जया। आज तू घर आ जा, रवि तो अपने बेस के साथ बिजी है, हम साथ लंच खाएंगे। ओ नो जया, आज नहीं प्लीज, आज मेरी लंच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। सॉरी यार, आई कांट मेक इट, फिर कभी। ओके बाय बाय। अरे जया, गुड मॉर्निंग। तुम अभी तक सो रही हो? मैं तो तैयार भी हो गया, ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ चलता हूँ। रवि, शायद तुम कुछ भूल रहे हो। भूल गया? अरे कुछ भी तो नहीं भूला,
घड़ी है, बाकी सामान बैग में है, चलता हूँ। रवि, रवि, अरे श्योर, कुछ नहीं भूले? हाँ, प्रिटी श्योर। ये क्या हो गया आज तुम्हें जया? याद करो। कुछ याद आ गया तो तुम्हें ऑफिस से फोन कर दूंगा। ओके, मैं चलता हूँ। रवि, आज तुम मेरा जन्मदिन कैसे भूल गए? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, my darling Jaya. Happy birthday to you. Happy birthday. एक मिनट। वन टू एंड थ्री। ब्यूटिफुल। पसंद आया? आई लव यू। आई लव यू टू। जन्मदिन मुबारक हो मैडम। थैंक यू। एक लाख इसके। अमेरिका के लिए रेडी है सर। ठीक है, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा दो। जी सर। हेलो। हेलो जया। हाँ रवि, तुमने कहा था ना कि मैं कुछ भूल गया हूँ। हाँ याद आया। हाँ याद आ गया। आज 18 अप्रैल है। आज हमें गवर्नर साहब के यहाँ डिनर के लिए चलना है। ऐसा करना, तुम 7 बजे रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ओके बाय। जी, ए जया, कम आउट, जया कम आउट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जया, हैप्पी बर्थडे टू यू। Many, many happy returns of the day, Jaya. Hello. Hello. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Many happy returns of the day, Jaya. Happy birthday, Jaya. Thank you. Thank you very much. आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरा जन्मदिन याद रखा। इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या उपहार दे सकती हूँ? आपकी खूबसूरत आवाज में एक खूबसूरत गीत। Why not? आप लोगों ने मेरा दिल रखा, मैं आप लोगों का दिल रखूंगी। एक घर तो टाइम भी छोड़ती है, तुझे मेरा ही घर मिला। बहुत बेहुदा तमाशा कर चुकी हो, चलो। Thank you.
मैं जान सकता हूँ इस बदतमीजी का मतलब क्या है? मतलब मेरे विश्वास का गला घोंट दिया तुमने और वर्षा ने। अगर उससे तुम्हें इतना ही प्यार है कि मुझे धोखा दे सकते हो कि दे दो मुझे तलाक, कर लो उससे शादी। क्या कह रही हो तुम? मैं और वर्षा से प्यार? हाँ, तुम चुप चुप के वर्षा के साथ रेस्टोरेंट में मिलते हो और मुझसे बहाना करते हो कि बायस के साथ लंच है और उसके लिए उसके मनपसंद का हार खरीदते हो। वो हार तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है जो वर्षा ने तुम्हारी पसंद को दिमाग में रखकर खरीदा था, जो इस वक्त भी गाड़ी में पड़ा हुआ है। लंच के लिए झूठ इसलिए बोला था ताकि वर्षा और मैं रेस्टोरेंट में मिलकर तुम्हारे जन्मदिन के लिए सरप्राइज पार्टी का इंतजाम कर सके। लेकिन लेकिन तुमने सब कुछ गलत समझ लिया। पकड़े गए तो मैंने गलत समझ लिया। उसके प्यार में इतने दीवाने हो गए कि उसकी चीजें भी तुम्हारी जेब से निकलने लगी। क्या मतलब? क्या मतलब? ये लाइटर तुम्हारी जेब में कैसे आया? ये लाइटर मेरी जेब में कैसे आया ये मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम मुझे। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि इस शरीर और इस मन पर सिर्फ तुम्हारे प्यार और तुम्हारी यादों के निशान है, किसी और के नहीं। समझी? अगर इस बात को समझ सकती हो तो समझो, वरना तुम्हारी मर्जी। सॉरी, मेरे हाथ से ट्रे गिर गई थी। मैं समझा घर में कोई चोर घुस आया है। मुझे बहुत प्यास लगी थी, आप कुछ पियेंगे? नो थैंक्स। आप कुछ लेंगे? नो गुड नाइट। Good night. रवि, मैंने कितना गलत सोचा, वर्षा को कितने दुख पहुंचाए, बहुत पछता रही हूं मैं। कल ही मैं वर्षा को फोन करके माफी मांगूंगी, मगर मगर तुम मुझे माफ कर दो। जया, पछताने से दिल का आईना साफ हो जाता है। आखिर वही हुआ। मैं जानता हूं कि तुम मेरी बहुत अच्छी बीवी हो। रवि, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन से किरण हमारे घर में आई है सारी गड़बड़ियां शुरू हो गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह औरत हमारे लिए अपशगन है।
हेलो, मैं जया बोल रही हूँ। नमस्ते जया जी। जी मैडम अभी ऑफिस नहीं आई हैं। जी मैं कह दूंगी। ओके थैंक यू। रवि, मैंने वर्षा को दोनों जगह फोन किया था, घर से निकल गई है मगर ऑफिस नहीं पहुंची। डोंट वरी, मैं शाम को उसे साथ लेता आऊंगा, डिनर साथ में करेंगे। ओके ठीक, मैं चलता हूँ। मेरा मुन्ना। आज आप ग्रीन हाउस में काम नहीं करेंगी? नहीं, आज मैं नर्सरी जा रही हूँ नए पौधे लाने के लिए। करीब 2 घंटे में आ जाऊंगी। जया ने मेरे साथ गलत सलूक क्यों किया? इसकी क्या वजह हो सकती है? आखिर क्यों? क्यों ऐसा किया उसने मेरे साथ? हेलो मैडम, एडवोकेट राकेश हंस आपसे मिलना चाहते हैं। ओके सेंड हिम इन। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, कहिए। मैडम 2 साल पहले तालकटोरा में 3 मर्डर हुए थे। उस मर्डर केस को आपने इंडियन एक्सप्रेस डेटिंग 19th मार्च 1991 में रिपोर्ट किया था। मुझे वो न्यूज़पेपर चाहिए। अच्छा वंदना, 19th मार्च 91 का इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एडिशन निकलवाकर मेरे कमरे में भिजवा दो। ठीक है मैडम। देखिए आप आधा घंटा बाहर इंतजार कीजिए, तब तक पेपर आ जाएगा। मैडम मुझे जरा कोर्ट जाना है, मैं 3 बजे आके वो पेपर ले लूंगा। दैट्स फाइन। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैडम, ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री पेज नंबर 11 में है। किरण अनुराधा है डॉक्टर राजन की वाइफ, मगर ये जया के घर में। ओ माय गॉड, हेलो जया को फोन दो। आप कौन? वर्षा, VARSHA, समझ में आया? जय को बोलो मैं घर पे आ रही हूँ। जया जी वहां नहीं है, कुछ खास काम। मैं कुछ कर सकती हूँ आपके लिए? तुम जो कर सकती थी वो तो तुमने कर दिखाया। मेरी और जया की दोस्ती में दरार डलवा दी। मुझे आपकी दोस्ती या दुश्मनी से क्या लेना देना वर्षा जी, कुछ और काम हो तो बताइए। जी हाँ, बहुत जरूरी काम है। मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है, मिसेस डॉक्टर राजन। मैं जानती हूं तुम किरण नहीं अनुराधा हो। जया कहाँ है? जी वो ग्रीन हाउस में। वर्षा जी प्लीज, जया जी को मत बताइएगा, मुझ पे दया कीजिए। वर्षा जी प्लीज उनसे कुछ मत कहिएगा। वर्षा जी मैं बर्बाद हो जाऊंगी। वर्षा जी
Oh my God! Kiran! Kiran! जल्दी करो, चलो। पुलिस यहां कैसे? जया, जया, जया क्या हुआ? डॉक्टर साहब क्या हुआ जया को? इन्हें अस्थमा का अटैक हुआ है, अभी ठीक है, नाउ शी इज बेटर। जया वर्षा को, वर्षा का खून हो गया। क्या? वर्षा का खून? ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस में? मिस्टर रवि, ग्रीन हाउस कहां पर है? घर के पिछवाड़े है। आप आइए मेरे साथ। जी। जया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ रवि। डॉक्टर साहब आप इनका ख्याल रखिए, मैं भी आया। Excuse me. सेठिया, पुलिस इंक्वायरी के बाद वर्षा के दाह संस्कार का इंतजाम कर देना। मैं जैसे हॉस्पिटल में मिलकर आता हूं। अच्छा। रवि, कुछ समझ में नहीं आता कि वर्षा के साथ ये क्यों और कैसे हो गया। मैं उससे माफी भी नहीं मांग सकी। धीरज रखो जया, वर्षा का दुख
हम सबको है। वर्षा को मैंने इतना बुरा भला कहा था, बहुत पछता रही हूं मैं। काश वर्षा मुझे एक बार माफी मांगने का मौका दे देती। जया, जया होनी को कौन डाल सकता है, अपने आप को संभालो जया। रवि बहुत रात हो गई है, बच्चे भी अकेले हैं, अब तुम घर जाओ, अपना ख्याल रखना। गंगाराम, तुम? देव साहब, हम बहुत डरते डरते आपके पास आए हैं, आप हमको माफ कर दीजिए। देव साहब, देव साहब, हम आपकी कसम खाकर कहते हैं, आप हमारी माँ जैसी है, बहन जैसी है, बिटिया जैसी है। वो गंदी फोटो हमने नहीं निकाली थी, हमको तो कैमरा चलाना भी नहीं आता देव साहब। तो फिर तुम्हारे कमरे में वो तस्वीरें कैसे आई? हमारे भाग फूटे थे देव साहब, हमने अपनी आंखों से किरण मेन साहब को मुन्ने बाबा को अपना दूध पिलाते हुए देखा है। क्या किरण मुन्ना को अपना दूध पिलाती थी? वो भी ठीक उसी तरह जैसे कोई सगी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तभी तो मुन्ना हमारा दूध नहीं पीता था। हाँ मेम साहब, उसने हमको बहुत डांटा, हमको मारा भी उसने मेम साहब, और हमसे ये कहा कि अगर तुमने एक लफ्ज भी किसी से कहा ना तो हम हमारी कहानी सुनाकर तुम्हारी कहानी को झुठला देंगे। ठीक है गंगाराम, मैं ठीक होकर घर चली जाऊं, तुम घर आ जाना। तो भीम साहब, आपने हमको माफ कर दिया ना? हाँ गंगाराम। शुक्रिया भीम साहब, शुक्रिया।